इसरो द्वारा बनाए गए चंद्रयान आज चांद की सतह से ऑब्जर्वेशन भेज रहा है, लेकिन चंद्रयान का लॉन्चिंग पैड बनाने वाली एजेंसी के कर्मचारियों को बीते 18 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसे लेकर वे लगातार आंदोलनरत हैं। इस आंदोलन को इंडिया गठबंधन ने भी समर्थन दिया है और बीते दिनों राजभवन के समक्ष गठबंधन के बैनर तले प्रदर्शन भी किया गया था। वहीं आज इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें इस मामले से अवगत कराया। नेताओं का कहना है कि राज्यपाल ने इससे संबंधित कुछ और डॉक्यूमेंट मांगे हैं और उन्होंने कहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर को इस मामले को लेकर रिकमेंड करेंगे और आने वाले दिनों में एजेंसी विजिट भी करेंगे। आगे नेताओं ने ये भी कहा कि राज्यपाल के साथ ये मुलाकात काफ़ी सकारात्मक रही। मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, रासवा सांसद महुआ मांझी, जामुआ नेता मुश्ताक आलम, सीपीआई नेता अजय सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बेसिकली हम सब लोग यहाँ जो आए हैं वो एचईसी के जो बनना अवस्था में ला दिया है केंद्र सरकार ने, और वहाँ के मजदूर परब आ रहा है, लगातार परब आ रहा है, 18 महीने से डेढ़ बरस से वेतन नहीं मिला है, वहाँ के पदाधिकारियों को वेतन नहीं मिला है, चिमनी जो था वो बंद हो गया, 3 चिमनी एचईसी का बंद हो गया। ये सारे सवाल को गवर्नर साहब के पास गए क्योंकि वो कस्टोडियन है फाइनली, और एचईसी केंद्र सरकार का इस देश का एक बड़ा धरोहर है। एचईसी को बचाना प्लानिंग कमीशन जो था, नीति आयोग, उसका रिकमेंडेशन है। कलाम साहब जब थे राष्ट्रपति तो उनका था क्योंकि इसरो के साथ उन्होंने जोड़ा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में इसको 2 बार रिवाइव कराया गया, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी का समय आया तो पिछले 4 बरस से एचईसी घाटे में चल रहा है। इसका कोई चेयरमैन नहीं है, डायरेक्टर नहीं, कोई अस्थाई कोई नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, इसके रॉ मटेरियल नहीं है, ये सारी स्थिति है। हमारी यहाँ के हमारी नेता महुआ मांझी जी ने राज्यसभा में उस दिन ये सवाल को उठाया जब राज्यसभा में इसरो पे चर्चा हो रही थी। उस दिन राज्यसभा में मैंने पहले भी एचईसी मुद्दे को उठाया था, लेकिन उसके बाद भी कोई पहल नहीं की गई सरकार द्वारा। तो मैंने उस दिन इसके बारे में कहने के लिए चुना जिस दिन इसरो की उपलब्धि पर चर्चा हो रही थी, और उस समय मैंने कहा कि इसरो के वैज्ञानिक और इसरो बधाई के पात्र हैं, उनको धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही कहा कि इसरो के लिए चंद्रयान 1, 2, 3 के लिए जो लॉन्चिंग पैड और अन्य उपकरण बने हैं वो एचईसी से बने हैं और वो मदर इंडस्ट्री है। 1958 में पंडित नेहरू ने उसकी स्थापना की थी और एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, और इसके बावजूद उसके साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। जिस एचईसी से किसी समय जो मेधावी छात्र छात्राएं निकलती थे वो पूरी दुनिया में, कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बड़े अफसर है, अभी जो हालत है कि तनख्वाह नहीं मिलने की वजह से बच्चों का नाम स्कूल से कट रहा है, वो चाय बेच रहे हैं, अखबार बेच रहे हैं, इडली बेच कर वो ऑफिस जा रहे हैं ताकि उनकी हाजिरी बनी रहे, और उनका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है उससे। और इतना बड़ा इंडस्ट्री क्यों, आखिर केंद्र सरकार प्रतिमा पर, इतने बड़े बड़े स्टैचू पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। ठीक है, स्टैचू बनाइए, लेकिन एक जीवंत लोगों के द्वारा संचालित इतने बड़ी इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल नहीं है वहाँ पर, और क्या आप उसको सिख इंडस्ट्री घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं? क्या उसको प्राइवेट के हाथों देना चाहते हैं, जैसा कि वहाँ के आंदोलनकारी साथियों का ये कहना है कि शायद उनकी आशंका है कि जिस तरह से रेलवे और एयरपोर्ट, हवाई जहाज सब चीज़ प्राइवेट को दिया जा रहा है, प्राइवेट के हाथों, क्या केंद्र सरकार इसको भी तैयारी कर रही है देने के लिए? ये सवाल मैंने उठाया है और मैंने कहा है, अनुरोध किया है कि सबसे पहले तो वहाँ के ऑफिसर्स, वर्कर्स और जितने भी कर्मी हैं उनको उनका बकाया वेतन दिया जाए और फिर उसके पुनरुद्धार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि एचईसी के पास ज़मीन है करोड़ों की जिस पर बड़े बड़े सरकारी प्रतिष्ठान बने हुए हैं, तो आखिर उसकी जर्जर स्थिति क्यों रहेगी?
तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। टीम इंडिया इसमें पूरी तरह से लगी हुई है। अब आज हम लोग राज्यपाल महोदय से झारखंड के उनसे मिला हम लोगों ने और मिलकर सारी बातें हम सभी लोगों ने बताई कि आप इस कस्टोडियन हैं इस एजीसी के, तो आप इसमें पहल करें। तो उन्होंने और भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं ताकि और अच्छी तरह से, क्योंकि जैसा कि माननीय सुबोध कांत जी ने भी कहा कि इसरो पहले चाहते थे कि इसको अपने में मर्ज कर लेना एजीसी को, क्योंकि वो उनके लिए इतना महत्वपूर्ण है।